किंवदंती के अनुसार सर्वप्रथम शूर्पणखा ने अपने भाई रावण को भद्राकाल में राखी बांधी थी, जिसके कारण रावण का पतन हुआ। शनिदेव की बहन भद्रा इस बार रक्षाबंधन पर दोपहर 1:31 तक सभी भाई बहनों के प्रेम का इम्तिहान लेगी। भद्रा समाप्त होने के बाद ही बहनें अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधें। निर्णय सिंधु व धर्म सिंधु में वर्णित है कि भद्रा काल में होलिका दहन व राखी नहीं बांधनी जाएगी। अगर कोई भद्रा काल में राखी बांधता अथवा बंधवाता है तो उसे गलत परिणाम भुगतना पड़ता है। अतः 19 तारीख को भद्रा की समाप्ति के बाद रात्रि पर्यंत रक्षाबंधन का विधान किया जा सकता है। खास बात यह है कि 19 अगस्त को पड़ रहे रक्षाबंधन पर्व पर सावन का अंतिम सोमवार भी रहेगा। रक्षाबंधन इस बार सोमवार 19 अगस्त को है। रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार भद्रा रहित अपराह्न व्यापिनी पूर्णिमा में करने का शास्त्रीय विधान है। प्रसिद्ध पंचांगों की गणना अनुसार इस वर्ष 19 अगस्त 2024 सोमवार को दोपहर 1:31 तक भद्रा रहेगी, जिसका निवास पाताल में है। धर्मशास्त्र अनुसार 19 अगस्त को दोपहर 1:31 के बाद रक्षाबंधन का शुभ कार्य करना प्रशस्त होगा। उक्त तिथि पर सिंह राशि में सूर्य व शुक्र, वृष राशि में मंगल व गुरु संचरण करेंगे, जो शुभ संयोग है। दोपहर बाद भद्रा रहित काल में बहन भाइयों की कलाई पर बांधेंगी राखी। भद्रा का विशेष विचार रक्षाबंधन में किया जाता है। भद्रा काल को हमारे शास्त्रों ने अशुभ एवं त्याज्य माना है। इसमें रक्षाबंधन पूर्णतया शास्त्र विरुद्ध है। कुछ लोग रक्षाबंधन के दिन प्रातः काल से ही भद्रा आदि किसी अशुभ समय का विचार न करते हुए रक्षाबंधन मना लेते हैं, जो कि किसी भी रूप में शास्त्र सम्मत नहीं है। गौरतलब है कि केवल अति आवश्यक परिस्थितियों में भद्रा मुख काल को छोड़कर भद्रा पुच्छ काल में रक्षाबंधन आदि शुभ कार्य करने की आज्ञा धर्मशास्त्रों में दी गई है। भविष्य पुराण के अनुसार भद्रा पुच्छ काल में किए गए कृत्य में सिद्धि और विजय प्राप्त होती है, जबकि भद्रा मुख में कार्य का नाश होता है। इस संदर्भ में भविष्य पुराण का यह श्लोक अक्सर विद्वानों के मुख से कहते सुना जाता है, पुच्छे जया वहा मुखे कार्य विनाशाय। भद्रा और रक्षाबंधन के संदर्भ में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि मुहूर्त एवं ज्योतिष के संहिता ग्रंथों में जो भद्रा के मुख को अशुभ और पूछ को शुभ लिखा गया है और भद्रा की पूछ में रक्षा बंधन की आज्ञा दी गई है, वह केवल आपात स्थिति यानी भद्रा के कारण श्रवण पूर्णिमा न निकल जाए। ऐसी परिस्थिति में जब अन्य विकल्प उपलब्ध न हो, केवल उसी समय के लिए कहा गया है। तीनों लोकों में विचरण करती है भद्रा। भद्रा तीनों लोकों में विचरण करती है। शास्त्रों के अनुसार स्वर्ग लोक में निवास करने वाली भद्रा शुभ फलदायक, पाताल लोक में निवास करने वाली भद्रा धन संचय कारक एवं मृत्यु लोक अर्थात पृथ्वी पर निवास करने वाली भद्रा समस्त कार्यों की विनाशक होती है। स्वर्गे भद्रा शुभम कुर्यात् पाताले च धनागमन, मृत्यु लोके यदा भद्रा सर्व कार्य विनाशिनी।